है वही सावन बरसात अलग है फूल वही है खुशबू जुदा है माजरा क्या ये मेरे खुदा है क्या ये जादू क्या ये जादू प्यार का है 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 चांद वही है रात अलग है वही सावन बरसात अलग है जी की मीटिंग का क्या हुआ वो भी फिक्स हो गई दैट्स ग्रेट सैंडी ओके 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 एसएमएस मी दी पीएनआर नंबर मैं टिकट निकलवा लूंगी यू डोंट वरी ओके बाय बाय टेक केयर यू आर द बेस्ट सैंडी बाय रिया सैंडी ने मुंबई में शूट फिक्स कर दिया है वर्साची के साथ और मेरा प्रेम राज स्टूडियो में भी ऑडिशन फिक्स हो गया है वो अपनी नेक्स्ट फिल्म में मुझे लेना चाहते हैं हेलो रीना मैं तुझे डिस्करेज नहीं कर रही हूँ पर यार तू सैंडी को जानते ही कितना है पिछले महीने ही हम मिले थे ना फैशन शो में और ऐसे बिना सोचे समझे तो मुंबई कैसे जाएगी प्रिया तेरी प्रॉब्लम ये है कि तेरी बुद्धि थोड़ी कम है अब कोई चंडीगढ़ का कोऑर्डिनेटर तो मुझे मुंबई की शूट नहीं दिलाएगा ना स्वीट हार्ट अपॉर्चुनिटीज तो ऐसे ही आती है ना देख ये मेरे करियर की बात है मुझे जाना ही पड़ेगा और वर्साची सारे खर्च दे रही है ना ऐसे मौके बार बार नहीं आते समझी तू ओह माय गॉड कितनी मोटी लग रही हूँ मैं दो दिन बाद मेरा शूट है आई हैव टू गो टू द जिम देख मुझे जाना है आई विल सी यू लेटर ओके बाय सी यू टेक केयर हाय मामा हाय डैडी हाय लो आगे भाई बैठ पुत्र बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ राजीव के डैडी ने शादी की तारीख पक्की कर दी है और वो चाहते हैं कि दो हफ्ते में पूना में तुम्हारी शादी कर दें और राजीव की मम्मी कह रही थी कि एक साल तक ऐसा शुभ मुहूर्त नहीं मिलेगा और फिर राजीव को लंदन भी तो जाना है बेचारे को दो हफ्ते की छुट्टी मिली है जॉब से मॉम मैं ये शादी नहीं करना चाहती मुझे अपना करियर बनाना है बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना है अपने सारे सपने पूरे करने हैं मम्मा और आप लोग चाहते हैं कि मैं शादी करके बच्चे पालूं बस ये सब नहीं चलेगा दो साल मॉडलिंग बहुत हो गया राजीव मेरे जिगरी दोस्त का बेटा है अच्छा लड़का है लंदन में बड़ी पोजीशन में नौकरी भी है तुम्हें बहुत खुश रखेगा अरे देखा तुमने अरे मैं समझाती हूँ रीना पुत्र ओ रीना सुन पुत्र 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 रीना मामा अभी मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों की और शूट्स की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करके दिखाना है और आजकल सभी लड़कियां करियर माइंडेड होती हैं और वैसे भी मैं उस राजीव को जानती कितना हूँ देख पुत्र वो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और राजीव को मैं कितने सालों से देख रही हूँ बहुत अच्छा लड़का है पुत्र
रीना पुत्र, ये तेरे स्टार बनने की बातें बचपन से सुनती आई हूं। देख, तूने मॉडलिंग की जिद की थी, हम लोग मान गए थे ना, लेकिन पुत्र अब आगे के बारे में भी तो सोचना है ना। ओके मम्मा, लेकिन अभी तो मुझे एक इम्पोर्टेंट आउटडोर शूट के लिए 2 दिन के लिए बाहर जाना है। एक बहुत बड़ी फॉरेन कंपनी का शूट है, मुझे पेमेंट भी अच्छा मिलेगा और ये तो मुझे करना ही है। ये शूट कहाँ है? डैडी वो दिल्ली में है, आना जाना और होटल का इंतजाम कंपनी कर रही है। बहुत बड़ा फॉरेन से क्रू आ रहा है। और तेरी दोस्त प्रिया भी जा रही है? नहीं, वो नहीं आ सकती, वो बिजी है यहाँ पर। तुम इस शूट पर नहीं जा सकती, 2 हफ्ते में शादी की तैयारियां होने वाली हैं, बंद करो ये सब। डैडी, लेकिन ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, अब कैंसिल नहीं कर सकती हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी पापा। मम्मा प्लीज डैड को समझाओ ना प्लीज, ये मेरा लास्ट शूट होगा, आई प्रॉमिस। प्लीज मम्मा, प्लीज मम्मा, प्लीज जाने दो ना। अच्छा ठीक है पुत्र, मैं इनको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? तू फिक्र मत कर, खुश रहे। खरीदती रहती हो क्यों? देख, मैंने अपने गणेश जी से वादा किया है कि मैं अपने कबर्ड में पूरे 101 गणपति लगाऊंगी, तो उन्हें किया हुआ वादा पूरा करना है। और अभी कितने हुए हैं? इनको मिला के 93, 8 और खरीदने हैं, वो सारे तो मैं मुंबई से लेके आऊंगी। अच्छा, जब तेरे 101 गणेश जी पूरे हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? मुझे अपने गणेश जी पे पूरा विश्वास है, और वो भी तो मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं, क्या पता मेरा वादा पूरा होते ही वो मेरा सपना भी पूरा कर दे और मुझे बहुत बड़ी स्टार बना दे। चल तू ख्वाब देखती जा, तेरी जिंदगी के लिए ख्वाबों का होना बहुत जरूरी है। ओह शट अप प्रिया। अच्छा, मैंने मॉम और डैड को बताया कि मैं शूट के लिए दिल्ली जा रही हूँ। पर ये झूठ क्यों? अगर उन्हें पता चला कि मैं मुंबई जा रही हूँ तो वो कभी हाँ नहीं बोलेंगे, दिल्ली तो फिर भी पास में ही है ना। अगर अंकल को पता चल गया ना रीना, तो तेरे साथ साथ मुझे भी मार डालेंगे, और फिर मुंबई इतना बड़ा और महंगा शहर है, रहना खाना, तो इतने सब पैसे लाएगी कहाँ से? देख, तू टेंशन मत ले, ऊपर वाला जब सेटिंग करता है ना तो कुछ सोच समझ के करता है। वर्साचे ने टिकट तो ऑलरेडी दे दिया है, होटल खाना पीना रहना सब का अरेंजमेंट वही कर रही है, उसके ऊपर देव अग्रीड टू पे मी 1 लाख रुपीस फॉर 1 डे शूट। उस पैसे से मैं बब्बू गुटलानी से पोलियो शूट कराऊंगी, यू नो हिज बेस्ट इन टाउन, सारे बड़े बड़े स्टार्स उसी से पोर्टफोलियो कराते हैं। I'm all set यार। ओके चल अब फटाफट चलते हैं यहाँ से, सुबह की फ्लाइट पकड़नी है मुझे। Understand that he's a very big producer. No, you don't have a choice. ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। Hi Sandy, मैं मुंबई finally आ ही गई। I'll call you back. Yeah, hi Reena. How was your flight? अच्छी थी। Okay, very nice. So you're here. Good. Sandy, क्या हुआ? कुछ problem है? Bad news, Reena. वर्षाची की शूट कैंसिल हो गई है।
What? Shoot cancel ho gayi. But why, Sandy? Have a seat, Reena. I'll explain. Have a seat. वो क्या हुआ कि उनका कैमरामैन पेरिस से आ रहा था. लास्ट मिनट में समथिंग केम अप. अब वो नहीं आ रहा. बट दे गोना रीशेड्यूल द शूट इन 2 weeks टाइम. और ये सब होता रहता है रीना. पर सैंडी कल रात तक तो सब ठीक था. तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? या आई एम सॉरी. वो क्या है कि आज सुबह ही मुझे पता चला और तब तक तुम ऑलरेडी प्लेन में बैठ चुकी थी. पर सैंडी मुझे मेरी फीस तो मिल जाएगी ना? फीस? रीना कम ऑन बी रियलिस्टिक. बिना काम के फीस कैसे मिलेगी? और तो और होटल की बुकिंग भी गई और तुम्हारी रिटर्न टिकट भी गई. हाँ तुम्हारे कहने पर मैंने बब्बू कुटलानी को बड़ी मुश्किल से 40,000 रुपए देकर कल के लिए तुम्हारा फोटोशूट कंफर्म कर दिया. He's a busy man, you know that, right? Thank God, Sandy. कम से कम एक काम तो हो जाएगा. और वो प्रेमराज जी के साथ मीटिंग का क्या हुआ? प्रेमराज जी इज नॉट इन टाउन रीना, मगर बहुत जल्द उनके साथ मीटिंग कंफर्म हो जाएगी. सैंडी बट यू टोल्ड मी मीटिंग कंफर्म्ड है. कंफर्म थी रीना, कंफर्म थी. अब कल शाम उसका सेक्रेटरी मुझे फोन करता है और कहता है कि अब तक वो स्विट्जरलैंड से लौटे नहीं है. अब इतने बड़े प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग 2-4 दिन इधर उधर हो जाती है तो इट्स ओके रीना, टेंशन वाली बात नहीं है. एंड ऑल्सो पहले वो तुम्हारा पोर्टफोलियो देखना चाहता है, इसलिए तुम अपना पोर्टफोलियो शूट करवा लो, फिर मैं उसे दिखा दूंगा. अब तो मुंबई आई हो, रह लो आराम से, ऑडिशन मीटिंग से होती रहेंगी. एक्सक्यूज मी. हेलो ए रॉकी. हाँ एक मिनट. नहीं 20%. नहीं नो 10%, नो 15%, फ्लैट 20%. नो इफ दे वांट टू वर्क इट्स देयर कॉल. हाँ बोल दे. अच्छा मेरी बात सुन, एक मिनट. क्या था वो शूटिंग डेट्स? क्या बोलेंगे? सैंडी सिट ना रीना. 26 27 28. कूल विद मी. चल बाय. सैंडी मेरे पास मुंबई में रुकने के लिए पैसे ही नहीं है. व्हाट? पैसे नहीं? मतलब तुम खाली हाथ आई हो? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तुम ही ने तो कहा था कि सारा खर्च वर्साची देगी. शूट कैंसिल हो गया रीना, अब तुम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो. तो ठीक है ना सैंडी, तुम इंतजाम कर दो. आखिर तुम्ही ने मुझे यहाँ बुलाया ना. मैं तुम्हें बैंक लगता हूँ रीना. तुम्हारे पोर्टफोलियो के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने 40,000 रुपए रखे थे, ये सोच के कि तुम आती मुझे लौटा दोगी. मैं खुद कर्जे में हूँ यार, मैं नहीं दे सकता. सैंडी तुम पिछले 1 महीने से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मुंबई आओ, अच्छे असाइनमेंट्स दिलाऊंगा, एंड नाउ यू आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस. रीना मैंने शूट कैंसिल नहीं किया, ओके? इट्स जस्ट योर बैड लक और मे बी बैड टाइमिंग. और मुंबई में ये सब होता रहता है, 1-2 दिन में यहाँ पे कोई काम नहीं होता. सैंडी मुझे कल बब्बू गुटलानी से पोर्टफोलियो जरूर कराना है. प्लीज डू समथिंग, प्लीज. Well, maybe. एक आज मेरी एक प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग हुई थी. उसे अपनी फिल्म के लिए एक नई हीरोइन चाहिए. जो हीरोइन उन्होंने सिलेक्ट की थी उसे लास्ट मिनट में चिकन पॉक्स हो गया. अब उनके साथ मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स करने की कोशिश कर सकता हूँ. अगर तुम उन्हें पसंद आ गई तो शायद वो तुम्हें एडवांस भी दे दें और फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. That's great, Sandy. करूं फोन? करो, फटाफट करो. हाँ मिस्टर पाठक, सर सैंडी बोल रहा हूँ. वो सर आप कह रहे थे ना कि आपको फ्रेश फेस की जरूरत है, मिलना चाहेंगे? श्योरली. थैंक यू सो मच मिस्टर पाठक, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू सर. सर वो उसका नाम रीना है, आधे घंटे में पहुंच जाएगी. ओके थैंक यू सो मच. कमाल है रीना, ऑसम लक यू हैव यार. एक प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता. ओके तुम सामान अपना यहीं छोड़ दो, सोनेप स्टार होटल चली जाओ, रूम नंबर 214. ओके होटल रूम में? सैंडी उनका कोई ऑफिस नहीं है. स्वीट हार्ट यही उसका ऑफिस है. ओके बेस्ट ऑफ लक एंड कॉल मी आफ्टर द मीटिंग.
आइए 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 आइए, मैं पाठक। हेलो सर। हेलो, आप रीना मेहता हो? जी सर। आइए 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 आइए। ये है मिस्टर शर्मा, हमारी फिल्म के डायरेक्टर। हेलो। आप खड़ी क्यों है, बैठिए ना। हाँ बैठिए। आप कुछ लेंगी? नो थैंक्स सर। वो सैंडी ने आपकी फिल्म के बारे में बताया था। सैंडी ने सही कहा था, और कल मुहूर्त हो चुका है और आज जो शूट शुरू होना था, लेकिन अचानक हमारी हीरोइन को चिकन पॉक्स हो गया। ओह। अब फिल्म को डिले तो नहीं कर सकते ना? जी। और वैसे भी सैफ के डेट्स भी हैं हमारे पास। सैफ अली? हाँ हाँ। और हमने सोचा है कि सैफ अली के अपोजिट किसी नई लड़की को लेने का। हाँ सर। और आप समझ ही सकती हैं कि सैफ अली के अपोजिट जो भी नई लड़की आएगी वो रातों रात स्टार बन जाएगी। जी सर। रीना जी, आपने पहले कुछ किया है? जी सर, आई हैव डन मॉडलिंग इन चंडीगढ़। मुझे भी मॉडल्स के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत ओपन और फ्लेक्सिबल होती हैं। रीना जी, आप भी फ्लेक्सिबल है ना? फ्लेक्सिबल सर, वो आप अपनी फिल्म की स्टोरी के बारे में बताएंगे? रीना जी, अब स्टोरी का टाइम नहीं है, कल तो आपको सैफ के साथ शूटिंग करनी है। और बड़ी मुश्किल से मिले हमें सैफ के डेट्स। ये 25,000 रुपया रोकड़ा एडवांस। तो आप खुश हैं ना पैकेज डील से? पैकेज डील? देखो बेबी, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ये चंडीगढ़ नहीं है, ये मुंबई है। मुंबई में तो फ्लेक्सिबल होना ही पड़ता है, और इस इंडस्ट्री में कुछ पाने के लिए कुछ देना ही पड़ता है। वो सर, एक्चुअली आई गॉट अ कॉल। रीना, एक मिनट। परेशान हो गया उन लोगों के साथ डील करते करते। एक बात कितनी बार दोहराऊंगा मैं? I want my 20%। नहीं तो अगली बार फिर मुझे फोन मत करना ना, मैं काम नहीं करूंगा। ओके बाय। हाय रीना, सॉरी लेट हो गया। 1 black coffee प्लीज। कैसी रही मीटिंग? कैसे घटिया लोगों के पास भेजा था तुमने मुझे, उन्हें हीरोइन नहीं। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। पैकेज डील, कमीने कहीं के। ओवर रिएक्ट कर रही हो तुम। नहीं नहीं, आई हो तुम मुंबई शहर में, ये जो ऑफर तुम्हें मिली है ना, लड़कियां तरसती हैं ऐसी ऑफर के लिए, और हीरोइन बनने के लिए एक्सक्यूज मी ये सब करना पड़ता है। इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स अ बिग डील फॉर मी। मैं यहाँ एक्ट्रेस बनने के लिए आई हूँ, ऐसा वैसा करने के लिए नहीं, समझे तुम? तो ठीक है मिस सती सावित्री, अपने डैडी जी को फोन कीजिए और कहिएगा कि 40,000 रुपए भेज देंगे और साथ में आपकी रिटर्न टिकट। सैंडी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, मैं घर फोन नहीं कर सकती। तुम क्यों नहीं मुझे कुछ पैसे उधार दे देते? मैं यहाँ कोई चैरिटी खोल के नहीं बैठा हूँ रीना, और अगर मुझे पता होता कि तुम बिल्कुल कड़की हो तो तुम्हारे फोटोशूट के लिए 40,000 रुपए एडवांस मैं अपनी जेब से नहीं देता। मुझे लगा तुम अच्छे इंसान हो। आई ट्रस्टेड यू सैंडी। सैंडी, यू हैव टू हेल्प मी। आई डू एनी काइंड ऑफ जॉब और समथिंग। व्हाट जॉब? कैसी जॉब रीना? और अगर जॉब मिलती भी है तो वो कब मिलती है, और फिर सैलरी वो कब मिलेगी? हाँ, कम ऑन रीना, थिंक सेंसिबली प्लीज। सैंडी, आई कांट थिंक नाउ, यू हैव टू थिंक। ओके, आई थिंक आई हैव अ डील फॉर यू। मेरा एक दोस्त अमेरिका से आया, 5-star होटल में मैंने उसका रूम बुक किया। तुम आज रात उसके साथ रुक जाओ, मैं उससे 50,000 रुपये ले लूँगा
और तुम्हारी रिटर्न टिकट भी बुक करा दूंगा, ओके? सैंडी, मैं ये सब नहीं करने वाली, समझे तुम? रीना, he is a cool guy, ओके? All you have to do is share the room with him, that's it. सैंडी, मैं किसी अनजान इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ? रीना, he is a big shot, ओके? उसे सिर्फ बिग शॉट लड़कियां ही पसंद हैं। बिग शॉट और नो बिग शॉट, सैंडी मैं ये सब नहीं करने वाली। रेस्टोरेंट में हम लोग, डू यू हैव अ चॉइस? नो, यू डोंट हैव अ चॉइस। रीना सोचो, अगर तुम्हारी उसके साथ सेटिंग हो गई तो क्या पता वो तुम्हारे लिए फिल्म प्रोड्यूस कर दे। एंड रीना, मुझे मेरे 40,000 रुपए वापस चाहिए प्लीज। सैंडी, तुम मुझे किसी और से पैसे उधार नहीं देना। Excuse me, enough. क्या लगा रखा है? Am I your father? कहीं और से पैसे नहीं आ सकते हैं? Okay, रीना, मेरी और भी मीटिंग्स हैं जहां कुछ पैसे बन सकते हैं, so please allow me, I have to go. लेकिन अब मैं यहाँ क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी सैंडी? मुझे नहीं पता रीना, मैं जितना कर सकता था मैंने किया, ओके? मैं भगवान तो हूँ नहीं, so good luck to you. See you soon. Bye. सैंडी? सैंडी! Ahead of schedule. We expect to touch down in Mumbai in about 20 minutes. See you on the ground, sir. Welcome, Akash. Hi, Para. Let's go. Hot here. Rahul, since you're good coming morning. 2 days later, send all good the morning. Legal files to the Mumbai office. Good morning, Aarti. Hi. You have my documents. And what about yeah, the contract? Thank you. Okay, I'll take a look at it. What's that? Bye. Good morning, sir. Morning, Aarti. It's been only a few hours in Mumbai. And see, you're on the front page. Well, what do you know? That's a nice picture. Let's head to the conference room. Sure. दीदी, भूख लगी है, पैसे दे दो ना। मैडम, दे दो। सबसे पुराना यार हूँ मैं तेरा, और तेरे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। अबे बिलियनर होगा दुनिया के लिए, मेरे लिए तो आकाश ही है ना। चल बता कब मिल रहा है। हाँ, मिलते हैं एक दो दिन तक। अच्छा ये बता, मेरा होटल बुक करा दिया? हाँ हाँ, ब्रांड न्यू 5-star होटल में रूम बुक किया है। यू विल बी इम्प्रेस्ड विद माय चॉइस। हाँ अच्छा ये बता, डोना क्यों नहीं आई? वो तो मुझसे भी ज्यादा बिजी रहती है, दिमाग खराब है उसका। जरूर तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, यकीन है मुझे। अच्छा नॉट टू वरी, आज मैं तेरा मूड ठीक कर दूंगा। रात को तेरे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? कोई लड़की है क्या? आकाश, शी इज हैविंग ऑसम, झटके में तेरा मूड ठीक कर देगी वो। देख सुभाष, थैंक्स, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं है। वैसे भी आई हैव अ वेरी बिजी ट्रिप, और तू
जानता है मेरा ऐसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। जरूर इसमें कोई तेरा ही फायदा होगा। यार ये फायदा नुकसान हमेशा बिजनेसमैन वाली बातें करता है ना तू। नहीं यार दोस्ती भी कोई चीज होती है कि नहीं? इतने समय के बाद मेरा दोस्त मुंबई शहर में आया है, उसकी खातिरदारी करना मेरा फर्ज बनता है ना? नहीं यार आई एम डिसअपॉइंटेड। यार आजकल तो दोस्तों की कोई कदर ही नहीं रह गई। ओके ड्रामा बंद करो। हाँ बताओ क्या कहानी है? शी फ्रॉम चंडीगढ़। बेचारी नीडी है, मुझसे भी उधार लिया उसने। तो मुझे कल 50,000 रुपए भिजवा देना प्लीज। अच्छा लिसन आई हैव टू गो। ओके फाइन सो इट्स ऑल सेट। ब्लू मार्टिनी क्लब रात को 10 बजे से पहले पहुंच जाना ठीक है? और हाँ उसका नाम रीना है। ओके ओके बाय। हेलो Yes, sir. Good evening, Mr. Gupta. Myself, Kohli, always at your service. It's a pleasure and honor to have you here, sir. Likewise. The presidential suite, aapke liye taiyar hai. Wonderful. Blue martini bar? This way, sir. That one? Allow me, please. It's okay. I'll manage. Fine, sir. रीना? या और आप? आकाश। सैंडीज़ फ्रेंड। सैंडी? यू मीन सुभाष? सुभाष। एनीवे कैन वी सेट? वेटर Yes, sir. I'll have Glenlivet on the rocks. Okay. And Reena, what would you like to drink? Nothing. No thanks. Sure. Okay, that's it. Yes, sir. So, aap Subhash ko kaise jaanti hain? Hum Chandigarh mein mile the ek fashion show ke dauran. बस वहीं से जान पहचान हो गई। आप सैंडी को कैसे जानते हैं? सुभाष मेरा बचपन का दोस्त है। 7th standard तक हम दोनों साथ पढ़ते थे। फिर वो हर साल फेल होता रहा और 7th standard से आगे ही नहीं बढ़ा। Your drink, sir? Thank you. So, you're from Chandigarh, huh? Mumbai kis liye aayi ho? Main yahan ek shoot ke silsile mein aayi thi, jo Sandy ne fix kiya tha, par wo cancel ho gaya. Aur Premrat studio mein ek film ka audition bhi tha, wo bhi postpone ho gaya. Premrat to Switzerland mein hai, 3-4 din baad aayega. Aapko kaise pata? Aap unhe jante hain? Yes, he's a friend of mine. आप इंडिया किस लिए आते हैं? बिजनेस के सिलसिले में। साल में 3 से 4 बल्कि 4 से 5 चक्कर लग जाते हैं। सैंडी ने बताया था कि आप फिल्म भी प्रोड्यूस करते हैं। और उसी ने तुम्हारा प्रेम राज के साथ ऑडिशन भी फिक्स किया होगा है ना? हाँ। सैंडी की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। रीना, you're a pretty girl. क्या जरूरत है तुम्हें ये सब कुछ करने की? आप ही तो इंडिया बिजनेस मीटिंग के लिए आते हैं ना, तो आप ये सब क्यों करते हैं? Well, मेरे साथ तो सैंडी ने जबरदस्ती कर दी है। मुझे भी सैंडी ने कहा, उसका अमेरिका से फ्रेंड आ रहा है, उसे जरा मिल लो, अगर मन ना करे तो रुकना मत। हम्म,
तो क्या कह रहा है आपका मन? अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। ओके, हियर इज द डील। मिल तो हमने लिया है, वैसे भी एक रात की बात है। आई से वी शुड कंटिन्यू, व्हाट डू यू से? ओके, गुड, वेल लेट्स हेड अप। आई हैव हैड अ लॉन्ग डे। This way? Thanks. Reena, I'm going to order some room service. Will you have a drink now? Yeah, you can order something. Yeah, send up a bottle of your best champagne and some kebabs. Reena, will you eat something? Yeah, I'll have bhel puri. Bhel puri? Haan, main vegetarian hoon aur mujhe junk food bahut pasand hai. Aapko bhi pasand aayega. You want to try that? Thanks, but I like normal food. Kebabs are fine. Yeah, and send one bhel puri. Nahi hai to kahin se mangwa do. And send it fast. लगता है प्रेसिडेंशियल स्वीट नहीं देखा तुमने कभी। ठीक ठीक है, कोई खास नहीं है। एक दिन मैं भी इसी तरह का फ्लैट मुंबई में खरीदूंगी जब मैं बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी। अच्छा, कितनी बड़ी स्टार? मेरी सबसे पहली फिल्म तो सुपर हिट होगी, उसके बाद मेरी आने वाली 5 फिल्में सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देंगी। जस्ट 2 मोर इयर्स, यू वॉच। फिर तो तुम बहुत रिच और फेमस हो जाओगी। हाँ, मैं बस इतनी फेमस होना चाहती हूँ कि सारी दुनिया मुझे जान जाए। और पैसों का क्या है, वो भी आ ही जाएंगे। क्या करोगी इतने पैसों का? मैं अपनी हर एक हिट फिल्म के बाद एक कार खरीदूंगी। सबसे पहले मर्सिडीज, देन बीएमडब्ल्यू, फरारी, पोर्शे, लंबोर्गिनी। मेरे पास कम से कम 8 गाड़ियां होंगी मेरे बहुत बड़े बंगले के अंदर। रूम सर्विस। योर ऑर्डर सर। कम इन, प्लेस द फूड ओवर देयर एंड गेट मी 2 शैंपेन ग्लासेस। क्या बात है, कुछ नर्वस लग रही हो? नो, आई एम ओके। वाओ, ये भी होता है। देयर यू गो। चीयर्स। सॉरी। अच्छा मिस्टर आकाश, आप करते क्या हो? मैं कंपनीज खरीदता हूँ और फिर उनको बेच देता हूँ। तो इंडिया भी कंपनी खरीदने के लिए आए हो? हाँ, इंडिया की एक बड़ी कंपनी खरीदने आया हूँ। कम दामों में खरीद के ज्यादा दामों में बेचते हो, जैसे कि लोग प्रॉपर्टी डील करते हैं। वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम। हाँ, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। मैं वो कंपनीज खरीदता हूँ जिनके मालिकों को मालूम नहीं कि उनकी असल वैल्यू क्या है, फिर उनको ज्यादा दामों में बेच देता हूँ। तो इसका मतलब अगर किसी के पास हीरा है और उसे ये बात मालूम नहीं है, तो उसके हीरे को सस्ते भाव में खरीद के असली दामों में बेचते हो, ये तो धोखा है। तुम यूं समझो कि मैं हीरों का एक हार खरीद के
उसके टुकड़े करके उसको ज्यादा दामों में बेच देता हूँ। लेकिन जब किसी भी चीज के टुकड़े होते हैं तो किसी ना किसी को तो दर्द होता होगा ना। मुझे प्रॉफिट से मतलब है, किसी के दर्द से नहीं। बड़े पत्थर दिल हो तुम। वेल, ये तो बिजनेस है बस। खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ कि तुमने अपनी लास्ट डील में कितना प्रॉफिट बनाया? अबाउट 500 मिलियन डॉलर्स। मुझे डॉलर वॉलर समझ में नहीं आता, रुपए में बताओ कितने रुपए होंगे? करीब 3,000 करोड़। 3,000 करोड़? ओह माय गॉड, अगर तुम अपनी हर डील में इतने पैसे बनाते हो तो तुम्हारे पास तो हजारों करोड़ रुपए होंगे ना? मुझे एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं। यू आर रियली अ बिग शॉट। करते क्यों इतने सारे पैसों का? इतने सारे पैसों से इंसान को इज्जत मिलती है रीना। यू सी, पैसों के सामने दुनिया झुकती है और इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। मैं नहीं मानती कि पैसा सब कुछ होता है। क्यों नहीं? पैसों से ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, और पैसों से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। आई डोंट नो मिस्टर आकाश, पर मुझे लगता है पैसों से कभी प्यार नहीं खरीदा जा सकता। वेल आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। एंड लिसन बाय द वे, यू कैन जस्ट कॉल मी आकाश। As you wish. अच्छा छोड़ो ये बातें, ये बताओ शैंपेन कैसी लगी? शैंपेन अच्छी है। डॉम पेरी। डॉम पेरी ऑन। दुनिया की सबसे अच्छी शैंपेन। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कोई वाइफ या गर्लफ्रेंड नहीं है? एक्चुअली मेरी वाइफ रश्मि से 3 साल पहले ही मेरा डिवोर्स हो गया था। वो अब लंदन में रहती है और मेरे पैसों पर ऐश करती है। और गर्लफ्रेंड? डोना, वो न्यूयॉर्क में है। यहां आने से पहले मेरा और उसका झगड़ा हो गया। वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है और मुझसे भी ज्यादा बिजी रहती है। यहां आ नहीं सकी इसलिए मैं यहां अकेला आ गया। डोंट यू मिस हर? नो, नॉट रियली। नहीं? आखिर एक इंडिया की फ्यूचर सुपरस्टार के साथ शैंपेन पी रहा हूं। ओह एक्सक्यूज मी। या पराग, हाँ व्हाट्स द मैटर? हाँ आई एम सॉरी, मैं जरा एक मीटिंग में बिजी हो गया था। ओके आई विल साइन देम। अच्छा यू आर ऑलरेडी हियर? ओके गिव मी मिनट, आई विल बी डाउन। रीना आई एम सॉरी, मुझे कुछ काम पड़ गया है। प्लीज एंजॉय द फूड एंड द शैंपेन एंड आई विल बी बैक सून। ओके ओके। Hi Akash, sorry to disturb you so late. Had to be done. Okay, इस प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स हैं। आप पढ़ लीजिए आराम से। अभी क्या है कि उनकी कंपनी बहुत ही बुरी कंडीशन में है, तो वी कैन टेक देयर टास्क। Okay, yeah, sir. Anything else? No. And sorry to disturb you so late once again. It's okay. Had to be done. Good night, Parag. Make sure you send all of this to New York. Oh, sure. Okay. All right. Thank you. Good night. Ooh.
एलिट इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि हम उससे उसकी कंपनी खरीदना चाहते हैं और शायद इसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता है। लेकिन आकाश, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मिलने में कोई बुराई नहीं है। टेल द एलिट चेयरमैन दैट आई विल मीट हिम फॉर डिनर टुनाइट। ठीक है, अगर तुम उससे मिलना ही चाहते हो तो तुम उससे सोशली क्यों नहीं मिलते हो? कीप बिजनेस आउट ऑफ इट। इसी बहाने तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लोगे। आई विल अरेंज फॉर द मीटिंग एंड कॉल यू बैक। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग रीना। गुड मॉर्निंग आकाश। कल रात तुम कितने बजे लौट के आए थे? कल रात बहुत काम था मुझे, कुछ देर हो गई आने में। मुझे तो कुछ याद नहीं है। क्योंकि तुमने शैंपेन जो ज्यादा पी ली थी। जब तक मैं लौटा तो यू वर टोटली फ्लैट। शैंपेन पहली बार पी थी ना, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। तो क्या हुआ कल रात? कुछ भी नहीं हुआ रीना, आई स्लेप्ट आउटसाइड। तुम बाहर सोफा पे सोए थे? काम करते करते आंख लग गई। एक्चुअली इट वॉज क्वाइट कंफर्टेबल। बहुत बिजी रहते हो तुम काम में। वेल दैट्स लाइफ। खैर छोड़ो, देखो ना तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाया है, इंक्लूडिंग भेलपूरी। पर इतना सब कुछ और भेलपूरी ब्रेकफास्ट में नहीं। ओह, हैव समथिंग। और अब क्या प्लान है तुम्हारा? आज मेरा पोर्टफोलियो शूट है, उसके बाद मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, फिर वापस चंडीगढ़। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्या है, कुछ दिन और रुक जाओ यहाँ मुंबई में। मेरा मन तो कर रहा है, लेकिन क्या करूँ रुके, बिना कुछ काम तो हुआ नहीं। और वैसे भी मुझे घर जल्दी लौटना है। ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग लेट नाउ। जाने से पहले मैं उस टब में बाथ ले लूँ? शो व्हाई नॉट, बस डूबना मत। यस राहुल। एलिट चेयरमैन मिस्टर वंजाने के साथ तुम्हारी जो डिनर अपॉइंटमेंट है वो फिक्स हो गई, और वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम अपनी डेट के साथ एक सोशल डिनर पर आ रहे हो। By the way, I know some lovely girls in Mumbai. तुम्हारे आज की जो डिनर डेट है उसका अरेंजमेंट मैं करूंगा, ओके? डोंट वरी अबाउट दैट राहुल, डेट का मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा। वहां मुंबई में तुम अपनी डिनर डेट का अरेंजमेंट खुद कर लोगे? राहुल मैंने कहा ना, खुद ही मैनेज कर लूंगा। ओके बाय। रीना कैन यू कम आउट, मुझे तुमसे बात करनी है। कैसी बात? रीना तुम प्रेम राज की नेक्स्ट फिल्म का ऑडिशन करना चाहती हो ना? हाँ, मैं आज ही उनके लिए पोर्टफोलियो शूट करवा रही हूँ, फिर सैंडी उन्हें दिखाएगा और मीटिंग फिक्स कर देगा। हाँ ठीक है, तुम पोर्टफोलियो करा लो, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हारा ऑडिशन वैसे ही फिक्स करा दूंगा। वाओ, दैट विल बी सुपर्ब। पर वो कैसे होगा, वो तो यहाँ है नहीं। नो प्रॉब्लम, मैं प्रेम राज को स्विट्जरलैंड फोन कर दूंगा और तुम्हारे बारे में बोलूंगा। तुम्हारा ऑडिशन भी फिक्स हो जाएगा। वो मान जाएंगे? Why not? He's a very close friend of mine. बल्कि जिस दिन वो आएंगे उसी दिन तुम्हारा ऑडिशन फिक्स हो जाएगा, ठीक है? सुपर्ब। लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आओ बैठते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। रीना मैं मुंबई में 4-5 दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में हूँ। एक्चुअली
मुझे एक कंपेनियन की ज़रूरत है जो मेरे साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स और पार्टीज अटेंड करे. मैं चाह रहा था दैट यू स्टे विद मी. लेकिन तुम तो किसी भी लड़की को ले जा सकते हो, फिर मुझे किस लिए? हाँ, मैं किसी भी लड़की को साथ लेके जा सकता हूँ, पर पहली बात कि तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो. और दूसरी बात, मुझे एक हिंदुस्तानी और स्मार्ट लड़की की जरूरत है तुम्हारे जैसी, जो इतनी जल्दी आसानी से मिलने वाली नहीं. और खूबसूरत? हाँ बिल्कुल, खूबसूरत भी. सो पर एक रात की बात तो अलग थी, मैं इतने दिन नहीं रुक सकती हूँ. क्यों नहीं रुक सकती? आखिर तुम मुंबई एक एक्ट्रेस बनने आई हो, और अगर प्रेम राज जैसे टॉप प्रोड्यूसर की फिल्म में तुम्हें लॉन्च मिल जाए, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है? वेल, सोच लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा. I think you are right. पर तुम्हें लगता है मुझे प्रेम राज जी की फिल्म मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल, ऑडिशन अच्छा करो एंड द रोल इज गारंटीड. अच्छा तो मुझे और क्या करना होगा? तुम्हें और क्या करना होगा? रीना, तुम्हें और कुछ नहीं करना होगा. तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा, जो तुम चाहोगी वही होगा. एंड बस तुम मेरे साथ रहोगी, हम पार्टीज में जाएंगे, डिनर्स पे जाएंगे. यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन, ट्रस्ट मी. सच? 100%. ओके. ओके का मतलब? ओके का मतलब मैं रुक रही हूं. ग्रेट. ये लो, ये हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स. मैं जरा एक मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम ऐसा करना कि शॉपिंग वगैरह कर लेना, ओके? और आज रात को हमें एक डिनर पर भी जाना है. आई विल कॉल यू एंड टेल यू द डिटेल्स, ओके? लेकिन आप प्रेमराज जी से बात कब करोगे? प्रेमराज जी से बात हो गई है और तुम्हारा ऑडिशन भी फिक्स हो गया है. इसका मतलब तुम्हें मालूम था कि मैं हाँ करूंगी? हाँ. बिना हाँ बुलवाए तो मैं भी मानने वाला नहीं था. यू आर लकी. अगर तुम थोड़े से भी खराब होते तो मैं कभी हाँ नहीं करती. चलो शुक्र है इस दफा पत्थर दिल तो नहीं कहा. जाती बेवजह ही
हाय रीना, वेयर आर यू? हेवन। देख मजाक मत कर। मजाक नहीं कर रही हूँ प्रिया, आई फील लाइक इन हेवन। तू बिलीव नहीं करेगी मेरे साथ क्या हुआ। पहले तो मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ, पर मेरे गणेश जी ने सब संभाल लिया। I met this guy, आकाश। तुझे पता है? लेकिन रीना, मैं इतने दिन यहाँ पर सबको कहूंगी क्या? कहना कि शूट पे डिले हो गया। दो चार दिन और संभाले। प्लीज प्रिया, प्लीज कुछ भी करके दो चार दिन और संभाल ले। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? मैं कोशिश करूंगी। अगर वो सब नहीं माने तो? प्रेम राज और आकाश पक्के दोस्त हैं। ऑडिशन होते ही मैं उनकी नेक्स्ट फिल्म की एक्ट्रेस बनने वाली हूँ। प्रिया, मैं अभी तीन चार दिन नहीं आ सकती। ओह माय गॉड, मेरे बाल, मैं ऐसे तो नहीं जा सकती हूँ। प्रिया, आई हैव टू गो नाउ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। गुड इवनिंग मिस्टर गुप्ता। गुड इवनिंग। हाउ वाज योर डे सर? गुड सर। मिस रीना इज वेटिंग फॉर यू इन द ब्लू मार्टिनी बार। थैंक यू मिस्टर कोहली। यू आर मोस्ट वेलकम। In every way. And forevermore. That's how you stay. That's why, darling, it's incredible. Up late ho. Sorry. मुंबई ट्रैफिक। कैसी लग रही हूँ मैं? सिंपली गॉर्जियस। मुझे मालूम नहीं था रीना कि तुम इतनी खूबसूरत हो। तो कहाँ जा रहे हैं हम? मिराज रेस्टोरेंट, मुंबई का बेस्ट रेस्टोरेंट, यू लव इट। चलें। गुड इवनिंग सर। मोंटी, बहुत दिनों बाद मिले। कब आए इस होटल में? Just started last week, sir. हाँ, और अब saxophone छोड़कर piano पर आ गए हो? Sir, लेकिन आपसे अच्छा और piano कौन बजा सकता है? Sir, let's play together one day. Why not? I'd love that. One of these days. किसी दिन time निकालिएगा, sir. Good evening, ma'am. तुम piano भी बजाते हो? Time हो तो बजा लेता हूँ, लेकिन आजकल I don't have time. टाइम निकाला करो, मैं भी कभी सुनना चाहती हूँ। शो। व्हाट अ नाइस रेस्टोरेंट। वेलकम मिस्टर गुप्ता, मिस्टर वंजानी इज वेटिंग फॉर यू, प्लीज। हाँ ठीक है, उसकी टर्म्स एंड पॉलिसीज देख लेते हैं, देन वी कैन। मिस्टर गुप्ता, welcome. Mr. Vanjani. Nice to meet you. Pleasure. My brother, Dev. Hi, Dev. Hi. And this is my friend, Reena. Hello, Miss Reena. Hello. Dev. Hi. Hi. Please sit down. Please. There's a special menu for you. I hope you like it. We shall see. Reena, are you okay? I'm okay. Well, let's get to the point. Mr. Gupta, हमें सुनने में आया कि आप हमारी कंपनी को टेक ओवर करने की सोच रहे हैं? जी, कुछ ऐसा ही सोचा है मैंने। और ये भी सुना है कि आपने हमारी कंपनी के 15% शेयर्स भी खरीद लिए हैं, और आने वाले दिनों में मेजॉरिटी शेयर्स के लिए आप फॉर्मली बिड करने वाले हैं? गुड, आपकी इन्फॉर्मेशन सही है। मिस्टर गुप्ता, एलीट इंडस्ट्रीज को मैंने अपने खून पसीना बहा करके खड़ा किया है। इसके हर एम्प्लॉय को मैं नाम से जानता हूँ। आप अगर मेरी कंपनी को खरीद कर उसके टुकड़े टुकड़े करके मार्केट में बेचने की सोच रहे हैं,
तो एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। एक्सक्यूज मी रवि, आई विल कॉल यू बैक। थैंक यू। इज इट ओके? या। मिस्टर वंजानी, क्या चाहते हैं आप? मैं अपने स्टॉक्स वापस खरीदना चाहता हूं। अपना दाम बताइए। वैसे तो मैं बेचने के मूड में नहीं हूं, लेकिन अगर आप मेरा मूड बनाना चाहते हैं तो जितने में मैंने आपके शेयर्स खरीदे उसका डबल। वैसे आपकी कंपनी के पास कोई पैसे हैं खरीदने के लिए? मनी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। हाँ, रही आपकी डबल करने की बात, तो उसको तो भूल जाइए, लेकिन हम आपको आपके शेयर पे 10% प्रॉफिट दे सकते हैं। और हम आपको, मिस्टर वंजानी, मैं यहाँ बेचने नहीं खरीदने आया हूँ। बहुत हिम्मत रखते हैं आप। हाँ, हिम्मत नहीं, पावर मिस्टर वंजानी, मनी पावर। आई नो ऑल अबाउट योर पावर मिस्टर गुप्ता। जिस कंपनी को भी आप खरीदते हैं वो कुछ ही दिनों में गायब हो जाती है, और जो भी उसके एम्प्लॉयज होते हैं वो इमीडिएटली बेरोजगार हो जाते हैं, विधवाओं के पेचेक्स आने बंद हो जाते हैं। That's what you're all about, Mr. Gupta. मैं जो कुछ करता हूँ मिस्टर वंजानी, कानून के दायरे में रहकर करता हूँ। It's business and it's all legal. बात लीगल और इलीगल की नहीं है, बात है आपकी घटिया सोच की। आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, फिर उनको बर्बाद करते हैं, and I will not let you do that to me. मिस्टर वंजानी, इलीट एक दिन आपकी कंपनी थी, लेकिन आज ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है। मैं इस कंपनी में काफी टाइम और पैसा लगा चुका हूँ, और अब मैं इसको लेकर ही छोड़ूंगा। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करें और ऐसी लड़ाई मत लड़ें जो आप जीत नहीं सकते। That's it. I've had enough. Dinner's over. Excuse me, Miss Reena, Mr. Gupta. Let's go, Dave. Nothing personal. गेम ऐसे खेला जाता है। किसी आदमी की जिंदगी भर की कमाई को अपने फायदे के लिए मिट्टी में मिला देना, ये कैसा गेम है? क्या सोच रहे हो रीना? मुझे एलीट कंपनी को हर हाल में खरीदना है। तुम हमेशा प्रॉफिट के चक्कर में क्यों रहते हो? प्रॉफिट और पैसा बनाना ही मेरा बिजनेस है रीना। लेकिन हमेशा पैसे कमाने की धुन में रहना अच्छी बात नहीं है, जिंदगी में और भी चीजों के लिए वक्त निकालना चाहिए। अगर मैं ऐसे सोचता रीना तो आज यहाँ कभी ना पहुंच पाता। लेकिन आकाश, तुम ये भी तो सोचो कि राज और देव अच्छे लोग हैं। बात अच्छे और बुरे की नहीं है रीना, बात बिजनेस की है, और बिजनेस में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। इमोशंस तो बिजनेस में आएंगे ही, क्योंकि बिजनेस में इंसान होते हैं, और जहां इंसान होंगे वहां इमोशंस भी होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन जो इमोशंस के चक्कर में पड़ गया वो बिजनेस में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आकाश, तुम सक्सेसफुल हो क्योंकि तुम स्मार्ट हो, पढ़े लिखे हो, एक आम आदमी से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और मुझे पूरा यकीन है तुम्हें बिजनेस में प्रॉफिट बनाने के लिए किसी को हर्ट करने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी रीना, लेकिन इन सब बातों को सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पर तुम्हारे पास तो किसी भी चीज के लिए वक्त नहीं है। तुम्हारी लाइफ इतनी बिजी है कि तुम्हें किसी की फीलिंग और इमोशन को समझने की फुर्सत ही नहीं। रीना, तुमसे जीतना बहुत मुश्किल है।
अच्छा छोड़ो ना, प्लीज नो मोर बिजनेस टॉक. हाँ मुझे भी बहुत भूख लग रही है. क्यों, तुमने रेस्टोरेंट में कुछ नहीं खाया? बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट था, मेरी पसंद का खाना नहीं था. ओके नो प्रॉब्लम, ये लो रूम सर्विस ऑर्डर कर लो. प्लीज तुम ऑर्डर करो ना, तुम्हारी आवाज सुन के वो लोग फटाफट लेके आएंगे. ओके मैडम, क्या खाएंगे आप? वन दाल मखनी, भिंडी मसाला, रुमाली रोटी, पालक पनीर, बस बस. राइट अवे मैडम, मैं अभी चेंज करके आती हूँ. या रूम सर्विस. All right, welcome to Talk Funds. Let's quickly go across to Priyank, who's in conversation with the management at Shree Cements. Priyank. Roop Kumar Rathod. You know, main ki bahut badi fan hu. Achha, he's your favorite? Yeah. Are? Ye niche ke lounge bar se Monty hamari TV screen pe kaise aa gaya? एक्चुअली लाउंज बार में कैमरा लगा हुआ है, अगर नीचे जाने का मूड ना हो तो यहीं कमरे में बैठ के लाउंज का नजारा कर सकते हैं. और ये फैसिलिटी जो है सिर्फ प्रेसिडेंशियल सुइट में है. दैट्स रियली कूल. आंखों में तेरी अजब सी दीपिका. यू नो ये दीपिका की पहली फिल्म थी और एक फिल्म के बाद शी बिकेम अ स्टार. जैसे कि तुम बनोगी अपनी पहली फिल्म के बाद? आई वॉन्ट टू बी. रीना, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं? नहीं. इतनी खूबसूरत लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं? मुझ पे तो बहुत सारे लड़के फिदा हैं, बट मैं किसी को भाव नहीं देती. यू नो आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड. व्हाई नॉट? क्योंकि मुझे अभी बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ही नहीं पड़ना, मुझे तो अभी स्टार बनना है. लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तुम्हारे स्टार बनने से क्या ताल्लुक? क्योंकि 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 कोई भी लड़का ये नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी हीरो के साथ टीवी स्क्रीन पे रोमांस करे या फिर उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो. रीना रियली यू आर वेरी वेरी स्मार्ट. लेकिन आपको मेरे बॉयफ्रेंड में इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्या मैं ये समझूं बिलियनेयर आकाश गुप्ता का दिल मेरे लिए धड़कने लगा है? बिल्कुल नहीं, हमारा तो बस चंद दिनों का साथ है रीना. लेकिन मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ. गलत, बिल्कुल गलत. नहीं. ओके थोड़ी सी. Yes, Parag. How was your meeting, Akash? Meeting, ठीक थी. Raj Vanjani wants to fight. आपकी होटल में फैक्स भेजा था. मिला आपको? Yeah, I got it. Akash, हमको अपना रिस्पॉन्स कुछ ही घंटों में न्यूयॉर्क भेजना है. क्या आप अभी फैक्स रिव्यू कर सकते हैं? अभी? Okay. Yeah, go ahead. Hey guys. Hi. How was your flight? Good, good, very good. Mm-hmm. You know, flight में हमारे साथ दीपिका थी. दीपिका जो पहली फिल्म के बाद स्टार बन गई थी. तुम्हें कैसे मालूम? Don't underestimate me, Rahul. कल रात को तुम्हारी डेट कौन थी?
थी कोई नाइस इंडियन गर्ल? कहाँ मिली, कैसे मिली? नेवर माइंड राहुल, कम ऑन लेट्स गेट टू वर्क. या ओके, नाइस प्रेजेंटेशन मिस्टर शर्मा, लेकिन आपके फंडिंग प्रपोजल्स के जो टर्म्स हैं, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं. सर, ये नॉर्मल स्टैनली के स्टैंडर्ड टर्म्स हैं इस लेवल के फंडिंग प्रपोजल के लिए. लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड टर्म्स बिल्कुल नहीं चलेंगे. आई रियली नीड अ बेटर डील, अदरवाइज आई हैव अदर ऑप्शंस. मिस्टर शर्मा, हमारे लीगल डिपार्टमेंट के कुछ इश्यूज हैं जो जल्द से जल्द सॉल्व होने चाहिए. नो प्रॉब्लम सर, लेट्स गो थ्रू द डिटेल्स. एक्सक्यूज मी. हेलो, गुड मॉर्निंग आकाश. गुड आफ्टरनून रीना. तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? जब मैं आया तो तुम इतने आराम से सो रही थी कि मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं. वैसे भी मुझे मीटिंग पे जाना था. तो कब तक फ्री हो जाओगे तुम? I don't know, थोड़ा टाइम लगेगा. लंच के लिए मिले? लंच? नहीं, लंच मुश्किल है. अच्छा, शाम का क्या प्लान है? हाँ, शाम को एक इम्पोर्टेंट बिजनेस पार्टी में जाना है. ओके बॉस, बाय. बाय, टेक केयर. हाँ, बाकी जितने भी लीगल इश्यूज हैं चेक कर लें. हाँ, वो सारा काम हो जाना चाहिए. कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन ईमेल कर. राइट, यस सर. हू इज दैट? नेवर माइंड. आकाश का दोस्त भी हूँ और इसका लॉयर भी. पिछले 10 सालों से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं. मेरे बिना इसकी कोई भी डील नहीं हो सकता. Where's Ashok? Here's Ashok. Welcome. Welcome, Akash. Thank you, Ashok, and congratulations. Thank you. Listen, I had some business to discuss with you regarding the elite deal. वो जो उसमें हमारा liability clause है, मेरे उसपे कुछ comments हैं. Akash, अभी party में आया है यार. Enjoy the party. We'll talk about the business deal and the clauses later. Elite right. की जो हमारी deal है, Ashok के law firm उसे handle कर रहा है. Oh, that's great. Come, let's have a drink. Come on, please. Come, Reena. बनाइए सर. आकाश. निशा. Hey. Wonderful to see you. I'm so delighted that you could make it. Thank you. And you're looking as handsome as ever. Well, you haven't changed much yourself. Looking as pretty as ever. Thank you. By the way, this is Reena. Reena, this is Nisha, Ashok's fiance. Hi. 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 And his ex-girlfriend. Anyway, congratulations. Finally, you did it. Yes, I did. तुम्हारा वेट करते करते तो मैं थक गई थी आकाश. तुम्हें तो शादी करनी नहीं थी. मैं कब तक रुकती? सोचा मैं शादी कर लूं. ऐसी बात नहीं है निशा. इससे पहले कि मैं कुछ करता, अशोक ने तुम्हें पहले चुरा लिया. Congrats, you're a lucky guy. That I am, लेकिन मैंने किसी को चुराया नहीं है. सच तो ये है कि तू शादी करना ही नहीं चाहता था. और गलत भी क्या है? He's a good looking guy, wants to live a commitment free life. Nothing wrong with that. आकाश की लाइफ में सिर्फ एक ही कमिटमेंट है, पैसा. More the reels, more the money, right? Cheers to that. Always cheers to money, man. Oh, guys, I'll see you later. Have a blast. Thank you. I need to speak to you. Yes, sir. Come. क्या बात है? कुछ नहीं. कुछ तो है. क्या सोच रही हो? तुम निशा को कब से जानते हो? डोना से पहले न्यूयॉर्क में मेरी और निशा की अच्छी दोस्ती थी. फिर उसका इंडिया ट्रांसफर हो गया. दोस्त? लेकिन वो तो शादी की बात कर रही थी ना? हाँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था. रियली? रियली? तुम नहीं समझोगे रीना. आकाश, नीड टू स्पीक टू यू. ऑल राइट, गिव मी अ मिनट. हाँ आकाश,
रीना तुम्हें कहाँ मिली? यहीं मुंबई में। एनी आइडिया अबाउट हर बैकग्राउंड? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना वक्त तुम उसके साथ क्यों बिता रहे हो? क्योंकि ये वक्त मैं उसके साथ गुजारना चाहता हूँ राहुल। राहुल, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, लेकिन जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में करता हूँ, लेट मी मैनेज दैट। आकाश, मैं सिर्फ तुम्हारा लॉयर नहीं हूँ, तुम्हारा दोस्त भी हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई चाही, यू नो दैट। राहुल, तुम मेरी भलाई को छोड़ो और इलीट की डील के बारे में सोचो, ओके? आगे चलिए। What happened? पार्टी बहुत बोरिंग थी। यहाँ मजा आएगा। Let's go inside. चलो। That was a lot of fun. Much better than that party. You bet. Come on, let's go. Aye, sir. Aww. It's a nice weather. Let's walk. Okay. Nelson, follow us. Well, I haven't done this in a while, you know. Mm-hmm. Akash, tumne party mein ye kyun kaha ki main nahi samjhungi? रीना, जिन लड़कियों के साथ मेरी इन्वॉल्वमेंट रही है, दे वर वेरी वेरी डिफरेंट। डिफरेंट? व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट? वो सब जो थी, दे वर वेरी वेरी बिजनेस, वेरी करियर माइंडेड। इसका मतलब मैं करियर माइंडेड नहीं हूँ? नो नो, सॉरी, आई एम श्योर तुम बहुत करियर माइंडेड हो। लेट मी रिफ्रेज इट। वो सारी लड़कियां बहुत मनी माइंडेड थी, और तुम बहुत सिंपल हो। यू आर वेरी नाइस। तुम उन लड़कियों से बिल्कुल अलग हो। फूल ले लो ना। रियली? हाउ स्वीट। ओह, थैंक यू। देयर यू गो। अच्छा, तुम्हारा रश्मि से डिवोर्स क्यों हुआ? क्योंकि रश्मि को मुझसे ज्यादा मेरे पैसे से प्यार था। दैट्स व्हाई। ओह। बस एक साल बाद ही हमारा डिवोर्स हो गया। I'm so sorry. Why are you sorry? Well, anyway, now you know. लेकिन अब मैं प्यार और कमिटमेंट बहुत सोच समझ के करता हूँ। लेकिन प्यार कोई सोच समझ के थोड़ी ना होता है। प्यार तो बस जब होना होता है, हो ही जाता है। क्यों? लेकिन तुमने उस दिन खुद ही तो कहा था कि तुम भी अभी किसी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हो। वेल,
ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मुझे अभी तक कोई मिला ही नहीं जिसके साथ मैं इन्वॉल्व होना चाहूं। एंड हाउ विल यू नो जब तुम्हें वो मिल जाएगा? कुछ तो क्लिक होगा और बस मुझे अपने आप ही एहसास हो जाएगा। रियली? He'll be my Jaan. Jaan? हाँ Jaan, जो मुझसे बहुत प्यार करेगा, जो मुझे पूरी दुनिया घुमाएगा और जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी। वैसे कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो गया? ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है, नॉट इन रियल लाइफ रीना। एनीवे, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम्हारे साथ ऐसा होता भी कैसे? इसके लिए तो टाइम चाहिए जो तुम्हारे पास है नहीं, और तुम्हारी ये रश्मि, निशा, डोना, इन सब हाई फ्लाइंग फॉरेनर लड़कियों के पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। आई थिंक यू आर राइट, लेकिन इसका कोई तो सोल्यूशन होगा। तुम एक अच्छी सी हिंदुस्तानी लड़की ढूंढ लो जो तुम्हारा ख्याल भी रखेगी और टिकेगी भी। मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा ही खराब है। तुम ऐसा करो ना, तुम ही मेरे लिए ढूंढ दो। काम थोड़ा मुश्किल है पर सोचती हूँ। ओ पानी पूरी, मुझे वो खाना है। ओह गॉड, प्लीज चलो ना। चलो चलो चलो। भैया प्लीज खिलाना एक प्लेट। उफ, ओह वाओ, हाउ कैन यू ईट दिस स्टफ। कम ऑन, तुम ही ट्राई करो। नहीं, मुझे ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक एडवाइस दो तुम्हें। तुम पहले भी बहुत एडवाइस दे चुकी हो, कहो। अगर तुम अच्छी सी हिंदुस्तानी लड़की चाहते हो तो तुम्हें ये भेलपूरी, पानी पूरी खाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि हर इंडियन लड़की को ये बहुत पसंद होती है। अच्छा, फिर तो कोई चॉइस नहीं। लाओ, कैसे खाते हैं? मुंह खोलो। Enjoying yourself? Yeah. Yummy. Akash? Akash? आज कहीं चलते हैं? Where? Let's go for shopping. और यहाँ पर पास में एक कार्निवल भी है, वहाँ पे भी जाएंगे, बहुत मजा आएगा। तुमने उस दिन शॉपिंग नहीं की क्या? की थी, पर ज्यादा नहीं। और वैसे भी अकेले शॉपिंग करने में मजा नहीं आता। तुम साथ होगे तो बहुत मजा आएगा। चलो आज मिलके शॉपिंग करते हैं। सॉरी बेबी, बहुत काम है मुझे आज। आई एम बिजी द होल डे, आई हैव सो मेनी मीटिंग्स। हमेशा काम काम काम। काम करने के लिए वहाँ इतने सारे लोग हैं ना, मैं अकेली बोर हो जाती हूँ। प्लीज चलो ना, प्लीज 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 प्लीज, सिर्फ आज के लिए। रीना, सिर्फ आज के लिए, सिर्फ मेरे लिए प्लीज। ओके, लेट मी सी। हाँ बोलो आकाश। राहुल, मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। आकाश, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? आकाश, आज तक मैंने तुम्हें काम को इस तरह से निग्लेक्ट करते हुए कभी नहीं देखा। आखिर हो क्या रहा है? What? काम निग्लेक्ट क्यों होगा राहुल? तुम, रवि, पराग सब हो ना ऑफिस में। What are you guys there for? Just keep me updated on the phone. और कुछ पेपर्स होंगे साइनिंग के लिए तो रात को ले आना। ओके, बाय बाय। हैप्पी नाउ? यस, लेट्स गो, बहुत मजा आएगा। Could I speak to Donna, please? बॉस। क्या?
हेलो मिस्टर गुप्ता, आई एम डिसूजा. हेलो डिसूजा, वी हैव कम टू परचेज ऑल दोज क्लोथ्स दैट आर गोइंग टू मेक दिस लवली गर्ल लुक इवन लवलियर. सर, आप सही स्टोर में आए हैं. हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं. आप बताएं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं. मैं अभी बुलाता हूं जी. मिस्टर डिसूजा, मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि हम आपके स्टोर में खरीदारी ना करें. सॉरी सर, प्लीज हमको एक चांस दीजिए सर. अभी एक मिनट. हाँ, दैट्स बेटर. शैल वी स्टार्ट? आइए. Yes. Now what? Wow. But it's very loose. Oh. D'Souza sahab, is dress ki fitting karaiye pehle. Are bas samajhi, abhi ho gayi, abhi foran ho jayegi. 2 minute lagte hain fitting hone mein. Agar aap kahe to design bhi change kara dun. Aisa kijiye ki aap apni bhi fitting kara lijiye. Wo bhi ho jayegi. Apni bhi. सर, मैं तो देखिए कितना फिट हूँ, ट्रिम हूँ, स्लिम हूँ. बिल्कुल. या, व्हाई डोंट यू ट्राई दैट वन? लिसन, आई विल जस्ट गेट बैक टू यू. वाओ, यू लुकिंग स्टनिंग. ये तो हम लेके ही जाएंगे. अरे सर, आपकी क्या चॉइस है? ये कितनी बेहतरीन आपकी चॉइस है. हाँ, ये भी बहुत बढ़िया. क्या आपकी पसंद है? ये नाइटी कैसी है? ठीक है. ये देखो, एक मैंने भी सिलेक्ट की है. वाओ, यू लाइक इट? गुड चॉइस. Don't forget this. तुम्हारा निशाना तो एकदम परफेक्ट है. इतना मजा मुझे लाइफ में कभी नहीं आया. हाँ, वाकई आज तो मुझे भी बहुत मजा आया. बहुत दिनों बाद कोई ऐसा गेम खेला. लेकिन क्यों? पहले तुम्हारे जैसी मस्त लड़की जो नहीं मिली. मैं और मेरी फ्रेंड प्रिया तो हमेशा चंडीगढ़ में ऐसी मस्ती करते हैं. Really? ये टेडी बेयर तो मैं उसे देने वाली हूँ, वो बहुत खुश होगी. Okay. Akash, I had so much fun. Good. Reena, mera cell phone. Ye wahi nighty hai jo maine select ki thi. Haan, achhi lag rahi hai na? Kuch zyada hi achhi lag rahi hai. Aaj main bahut khush hu. क्योंकि तुमने इतने सारे प्राइजेस जीते कि वो बेचारा शॉपकीपर तो घबरा ही गया था ना. उनकी शक्लें देखने लायक हो गई थी. जीतने का इनाम नहीं दोगे क्या? ये रहा तुम्हारा इनाम. ये भी कोई इनाम है? आकाश, जो नाम तुम्हें चाहिए वो मैं नहीं दे सकती हूँ. नहीं आकाश, कल सुबह तक वेट नहीं कर सकते. आज न्यूयॉर्क क्लोजिंग टाइम से पहले सारे साइन डॉक्यूमेंट्स बैंक को ईमेल करने हैं. बैंक की फंडिंग रिक्वायरमेंट है. प्लीज आकाश, मैंने आलोक को पेपर्स के साथ लॉबी में भेज दिया. हाँ, ओके. साइन देम अर्जेंटली. ओके, आई हैव कम डाउनस्टेयर्स, आई विल सी वेयर ही इज एंड टेक केयर ऑफ इट. बाय. ओके, थैंक यू सर. हेलो सर. हाय मोंटी. सर, आज आप बहुत उदास दिख रहे हो सर. हाँ मोंटी, दिल का हाल कुछ ऐसा ही है. ओह सर, वो पियानो आपका इंतजार कर रहा है. सर, आज एक गाना हो जाए.
Okay, Monty, why not? But you're gonna have to help me. Sure, aap chaliye to sahi. Please. Yes, sir. I need some help. Give me a lead. Okay, sir. Sure. इसको छोड़ा दर्द ने इसको मारा इश्क ने इसको छोड़ा दर्द ने इसको मारा 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 क्या करे दिल बेचारा क्या करे दिल बेचारा हाले दिल जब ना जाने जाने मन दिल पर यारा हाले दिल जब ना जाने जाने मन दिल पर यारा क्या करे दिल बेचारा क्या करे दिल बेचारा शुदा रात है अजनबी टूटते जज्बों की बात है अजनबी ख्वाहिशें है दीवानी चाहते है आवारा क्या करे दिल बेचारा क्या करे दिल बेचारा घड़ी आहों में कैसा तूफान है प्यास की मौजों को जब मिले ना किनारा क्या करे दिल बेचारा क्या करे दिल बेचारा क्या करे बेचारा क्या करे दिल बेचारा राहुल जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे ऐसा लगता है
कि तुम मेरे लिए बने हो और मैं तुम्हारे लिए। राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक दिन के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। आई लव यू राहुल, आई लव यू। कट। सिंपली सुपर रीना जी, ब्रिलियंट, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। तो आप कब तक बताएंगे? बस प्रेमराज जी आज सुबह ही स्विट्जरलैंड से लौटे हैं। बहुत जल्दी ही वो आपके ऑडिशन टेप देख लेंगे। एंड आई एम श्योर ही विल कॉल यू इन 2 डेज टाइम। बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया रीना जी आपने। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो मामा। रीना पुत्र, कहाँ है तू? हम लोग कितने परेशान है, 4 दिन हो गए। तू ठीक तो है ना पुत्र? मामा आई एम फाइन। हम रिमोट कॉटेज में हैं, जहाँ पे फोन नहीं है और सिग्नल भी बहुत खराब है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। मामा कैमरामैन 2 दिन बाद पेरिस से आया है, इसीलिए डिले हो गया है। बस 2 दिन बाद वापस आ रही हूँ। अच्छा पुत्र, तू अपने डैडी जी से बात कर ले, वो बहुत नाराज है। लो बात कर लो जी। हेलो, कहाँ हो तुम? भाई तुम तो कह के गई थी कि 1-2 दिन में वापस आ जाओगी, यहाँ शादी की तैयारियाँ करनी है। कहाँ हो तुम? कौन से होटल पे हो? हम आ रहे तुम्हें लेने के लिए। डैड आई एम ओके, आई बी बैक इन 2 डेज। हम दिल्ली आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए, कौन से होटल में हो? डैड हेलो, डैड कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, या आई कैन हियर यू। डैड कनेक्शन बहुत खराब है। हेलो हेलो हेलो। बेटा मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। डैड आई कांट हियर यू, आई कॉल यू बैक इन 2 डेज। हेलो रीना, कितनी देर है? बस 2 मिनट, ड्रेस पहनना बाकी है। कहाँ जा रहे हैं हम? या राहुल, as usual. ओके। या आई एम लिसनिंग। राइट, ओके। यू जस्ट गो आउट। व्हाट? आउट ऑफ द रूम। हमने पता लगाया कि वो ऑपरेटिंग परमिट्स किसी ने रेन्यू नहीं कराए हैं। हम उन ऑपरेटिंग परमिट्स को रेन्यू करवा सकते हैं। एंड यू नो आकाश, उन स्मेल्टर्स को हम दोबारा से ऑपरेट करवा सकते हैं। दैट्स गुड न्यूज राहुल, जस्ट कीप इट कॉन्फिडेंशियल। ओके ओके, लेट्स टॉक लेटर। मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक है, लेकिन किसी चीज की कमी है अभी भी। मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। जस्ट अ मिनट। ये मेरे लिए? कैसा लगा? इट्स माइंड ब्लोइंग आकाश। लाओ मैं पहनाता हूँ। Now you look perfect. It's beautiful. Not more beautiful than you though, my dear. I love it. हम तो ये लव सुनने के लिए तरस ही गए। चलो, नेकलेस हमसे ज्यादा लकी है। चले, देर हो रही है। You know, Reena, you're going to have the best time. All my friends are going to be there. What a perfect couple. Good afternoon, Mr. Gupta. We have light winds and clear visibility. Sir, we expect to touch down in Goa in 30 minutes. Welcome aboard, Miss Reena. Would you need anything else, ma'am? No, that's it. Thank you. Akash, हम गोवा किस लिए जा रहे हैं? दो पार्टीज अटेंड करनी है। पहले हमें एक इनॉग्रेशन पे जाना है और उसके बाद मेरे एक दोस्त की पार्टी है वहाँ पर। कौन सा दोस्त? तुम सवाल बहुत पूछती हो। मैं नहीं पूछ सकती हूँ।
पूछ सकती हो. His name is अंबानी. वाओ, तुम मिस्टर अंबानी को जानते हो? नहीं, वैसे ही उनकी पार्टी क्रैश करने जा रहे हैं. Great time. Oh, I really didn't see that. Inauguration party तो बहुत fancy थी, मेरी पसंद की नहीं थी. Nice party. Hello Gupta साहब, how are you? Hello ma'am. अरे commissioner साहब, good to see you. I didn't know that. I knew it. Ambani, how are you doing? Good, finally made it. Man, looks like a nice party. So, how's business? Listen, if business was any better, I wouldn't be able to handle it. Achha, listen, golf kab khel rahe hai yaar? Arre yaar, is trip mein to bilkul time nahi hai. Tu hamesha yahi kehta hai. You know what? I think you're afraid to play with me. I think you know I'm going to beat you next time, right? Well, in that case, we're playing next time, 100%. All right. Oh, by the way, I'm sorry. This is Reena. She's an actress. Hello, Mr. Mani. How nice are you? To meet you, Reena ji. Come on, let's go get a drink. Yeah, let's go. Let's get the drinks. Your drinks, sir. For you. Ah, thank you. Reena ji. Thank you. Sir. Thank you. Vaise, Ambani, yes, cheers. Yeah. And congratulations to you on acquiring the Orbitus Hotel Group. I hear you got a good deal. Listen, we were lucky. The timing was good. Just like your elite deal. By the way, mera wo kaam ho kya? Haan, Roop Kumar is here now. He's ready to start. Roop Kumar is here? Yes, of course. Oh my God. Akash called me specifically ki Roop Kumar ko is party mein bulaya jaye. You know, he's my favorite. You know, I thought so much. Reena ji, I know Akash for a long time. Isko business ke alawa kisi aur cheez mein interest lete hue dekha hi nahi maine. You must be someone very special. Listen, I'll see you guys. Okay? Yeah. Cheers. Really? You did it for me? It was nothing. Ab yahi khadi rahogi ya chale? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. इससे पहले कि आज का ये प्रोग्राम मैं शुरू करूं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे अजीज़ दोस्त आकाश गुप्ता का, जिसने आज की शाम को यादगार बनाने के लिए मुझे यहां इनवाइट किया है. थैंक यू आकाश. आज की महफिल का जो पहला नगमा मैं आपके लिए लाया हूं, वो एक बहुत ही ख़ास मेहमान की नज़र करना चाहता हूं जो आज हमारे रूबरू हैं, और मैं ये गीत उनको डेडिकेट करता हूं, उनकी नजर करता हूं. उनका नाम है रीना मेहता. जो बेखुदी है आंख में तेरी, वो बेखुदी शराब में कहां. जो ताजगी है हुस्न में तेरे, वो ताजगी गुलाब में कहां. जो शायरी है जिस्म में तेरे, वो शायरी किताब में कहां. तेरा हुस्न सलामत रहे रहे, तेरी मुझ पे इनायत रहे, मेरी जिंदा मोहब्बत रहे रहे. मेरा मौला करे, 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 मेरा मौला करे.
तक मैं रह नहीं सकता, कितनी मोहब्बत कह नहीं सकता। तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी धड़कन, तुम मेरी सांसें, तुम मेरा जीवन, तुमसे जुड़े हैं अरमान। देखूं तुम्हें तो देखता जाऊं, सोचूं तुम्हें तो सोचता जाऊं, इश्क में तेरे जी लूं मर लूं, आंखों में तेरी डूबता जाऊं। तुम मेरी दुनिया, तुम मेरी जन्नत, तुम मेरा सपना, तुम मेरी मन्नत, तुम हो ख्यालों का जहान। You're my Jann. राहुल, आकाश, मेरी राजवंजानी से बात हुई है। तुमसे तुम्हारे होटल में मिलना चाहता है। अभी क्यों? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। आई थिंक वी हैव गॉट हिम। ओके, गिव मी हाफ एन आवर। मैं रवि को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, ऑफिस में थोड़ा काम है। आई विल सी यू लेटर। ओके ओके, सी यू। आज वेनसडे हो गया, कितनी जल्दी ये खूबसूरत वक्त निकल गया। कहाँ निकला है, अभी तो शुरू हुआ है। लेकिन रीना, मेरा तो काम खत्म हो गया और कल मुझे वापस न्यूयॉर्क जाना है। लेकिन मैं जल्दी वापस आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। तुम मिलोगी ना रीना? तुम मिलोगी ना? मुझे चंडीगढ़ वापस जाना है। क्यों? तुम यहां मुंबई में ही रह लो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फ्लैट ले लेता हूं और गाड़ी भी। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम यहां मुंबई में अपनी फिल्म का काम करती रहना और मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा। जब दोना से लड़ाई होगी तो मुझसे मिलने आओगे? ऐसी बात नहीं है रीना, मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। आकाश, मैं इस तरह नहीं रह सकती हूं। क्यों नहीं रह सकती? मेरी बहुत मजबूरियां हैं रीना। मैं तुम्हारी दोस्ती चाहता हूं। मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए।
रीना, फिर तुम क्या चाहती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आकाश। रीना, जो तुम चाहती हो मैं नहीं दे सकता तुम्हें। मुझे न्यूयॉर्क तो वापस जाना ही है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मेरी गर्लफ्रेंड है वहां पर। रीना, मैं वैसे भी अभी किसी किस्म की कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हूं। मैं भूल गई थी आकाश, तुम कमिटमेंट बहुत सोच समझ के करते हो। रीना, रीना, दैट्स नॉट ट्रू। मैंने तो सोचा कि हम दोनों के बीच में कुछ स्पेशल है। सोचा तो मैंने भी कुछ ऐसा ही था, पर अब लगता है कि हम दोनों की सोच में बहुत फर्क है। रीना, रीना, तुम क्यों नहीं समझती मैं मजबूर हूं? आकाश, तुम तो जो चाहे वो कर सकते हो। काश तुम ये समझ सकते कि मजबूर कौन है। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। Gentlemen, please have a seat. Thank you. आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? Getting along. Mr. Vanjani, let's get started. Okay, go ahead. Sir, your file. Ah, Miss Reena, how are you? Hello, आप कैसे हैं? ठीक हूं बस, तीन रातों से सोया नहीं हूं. मिस्टर बंजानी, आपने कहा था कि आप मिस्टर गुप्ता से कुछ बात करना चाहते हैं। मिस्टर गुप्ता आपकी बात सुन रहे हैं, यू कैन गो अहेड। ओके, मिस्टर गुप्ता, मुझे आपका एक्विजिशन का प्रपोजल मंजूर है, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है। सर, अब रिक्वेस्ट की गुंजाइश नहीं है, टाइम नहीं रहा अब। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आई थिंक समथिंग इंपॉर्टेंट। साथ ऐसा क्यों किया? ये तो होना ही था, दूसरा कोई चारा नहीं। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, he was full of life and a confident businessman. और आज वो एक हारा हुआ इंसान है। तुम्हें उसकी इस हालत पे तरस नहीं आता? मुझे उसकी हालत से नहीं, उसके बिजनेस से मतलब है। राइट आकाश, सिर्फ बिजनेस। और वैसे भी तुम तो मजबूर हो, तुम्हारे पास तो इमोशंस और फीलिंग्स समझने की फुर्सत ही नहीं। तुम्हारी सारी लाइफ सब कुछ बिजनेस है। मैंने गलत सोचा था तुम्हारे बारे में, तुम वास्तव में पत्थर दिल हो। भैया, मैं इस डील के खिलाफ हूं। देखते हैं आज शाम को ना। जेंटलमैन, वील कंटिन्यू दिस एट द ऑफिस। मैंने गलत सोचा था तुम्हारे बारे में, तुम वास्तव में पत्थर दिल हो। वेलकम जेंटलमैन, प्लीज कम इन, टेक योर सीट्स। मिस्टर वंजानी, एक बार पेपर्स की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएं, उसके बाद मैं और मिस्टर गुप्ता आपके सारे सवालों के जवाब आपको दे देंगे। आई नीड यू टू साइन दीज पेपर्स। लाइए, मैं साइन कर देता हूं। मिस्टर वंजानी, इससे पहले कि आप इन पेपर्स पे साइन करें, मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूं। कहिए। मिस्टर वंजानी, अगर आपको एक और मौका मिले तो आप क्या करेंगे? इस सवाल का इस सिचुएशन से कोई कनेक्शन ही नहीं है। राहुल, मैंने तुमसे सवाल नहीं किया।
ये कैसे हो गया? पता नहीं क्या। मैं उस मौके का फायदा उठाऊंगा। मिस्टर वंजानी, अगर आपको ये पता चले कि आपकी कंपनी के पास कुछ ऐसे छुपे हुए एसेट्स हैं जिनका आपको भी नहीं मालूम, तो? आकाश जी, ये क्यों कर रहे हो? जैसे आपके स्मेल्टर के लाइसेंसेस, आपके छोड़े हुए शिपयार्ड्स। आपको मालूम है कि आप इन सब छुपे हुए एसेट्स पे एक नया लोन ले सकते हैं? आकाश भाई, यू डूइंग दिस? एक मिनट, चुप। मैं इन पर लोन ले सकता हूं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। और ये सब कुछ जानते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं एलीट को कोई लॉजिकल बिड दे सकता हूं। व्हाट? ये लड़ाई मैं जीता नहीं हूं आकाश, तुम खुद हारे हो। मेबी यू आर राइट, मेबी यू आर राइट। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है घर जाने का टाइम हो गया। आकाश, व्हाई आर यू डूइंग दिस? आकाश, मैं चाहूंगा कि जो शेयर आपने हमारे खरीदे हैं वो आप रखें और हमारे बोर्ड को ज्वाइन कर लें। इट विल बी एन ऑनर। एज यू विश मिस्टर वंजानी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू आकाश। हैव अ गुड डे। गुड डे जेंटलमैन। I think I'll walk Nelson. एक पानी पूरी देना। हाय। हाय, कहाँ थे तुम? पानी पूरी खाने गया था। मैंने सुना तुमने एलीट की डील छोड़ दी। प्रेमराज का फोन आया था। मेरा फोन तो डेड पड़ा है और चार्जर भी कहीं खो गया है। अच्छा, मैं उनसे बात कर लूंगा। तुम जा रही हो? हाँ, आज शाम की फ्लाइट है। फिल्म के लिए नहीं रुकोगी? अभी तो मुझे जाना होगा, फिर आ जाऊंगी अगर वो लोग बुलाएंगे तो। मैं भी कल जा रहा हूं, तुम भी कल चली जाना, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अब और रुकने को दिल नहीं करता। सर, मैडम का लगेज। Thank you.
रीना, रीना हम दोस्त क्यों नहीं रह सकते? आकाश, अब हम दोस्त ही रहेंगे हमेशा। यहाँ? हाय बेबी, हाउ आर यू? हाय। एनीवेज, तुमने मुझे फोन नहीं किया। राहुल ने बताया मुझे कि तुम्हारी तबीयत खराब है, सो आई थॉट आई विल सरप्राइज यू। हाँ, ये तो वाकई सरप्राइज है। कब आई हो तुम? बस मैं अभी अभी एयरपोर्ट से आ रही हूँ। एनीवेज, राहुल ने मुझे कहा कि यू हैव लेफ्ट द एलीट डील। क्या हो गया है तुम्हें आकाश? नथिंग, आई एम फाइन। मैं तो बल्कि न्यूयॉर्क वापस जाने की तैयारी कर रहा था। न्यूयॉर्क वापस जाने की तैयारी? मैं यहाँ अपना सारा काम छोड़कर तुमसे मिलने आई हूँ और तुम न्यूयॉर्क वापस जाने की बात कर रहे हो? बस यहाँ इंडिया में और रुकने को दिल नहीं कर रहा। कम ऑन आकाश, वी गोना बी हियर फॉर 4-5 डेज, वी गोना एंजॉय, प्लीज। चलो डिनर के लिए चलते हैं, मैं तैयार होके आती हूँ। मिस रीना? मिस रीना के पेरेंट्स आए थे चंडीगढ़ से। पेरेंट्स? हाँ सर, रीना मैडम को अपने साथ वापस चंडीगढ़ ले गए। रीना जी की शादी की बात कर रहे थे। शादी? यस सर, रीना जी की शादी है इस शनिवार पुणे में। हेलो स्ट्रेंजर, मुंबई से आ गई और कोई खबर नहीं? कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। और ये क्या हाल बना रखा है? मेरे लिए मुंबई से क्या लेकर आई? तेरे लिए तो पर्स लेके आई हूँ। और गणेश जी कितने खरीदे? 7। सिर्फ 7? 8 क्यों नहीं खरीदे? बहुत बिजी थी प्रिया, वरना खरीद लेती। वो मुझे मालूम है। और प्रेमराज के ऑडिशन का क्या हुआ? ऑडिशन तो बहुत अच्छा गया, शायद मैं सिलेक्ट भी हो जाती, पर डैडी नहीं चाहते कि मैं फिल्मों में काम करूं। कहते हैं जो करना शादी के बाद करना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है रीना? मैं राजीव से प्यार नहीं करती प्रिया, उससे शादी की बात तो बहुत दूर की है। अब बहुत देर हो चुकी है, कल तेरी एंगेजमेंट है और परसों पुणे में तेरी शादी। तू अब आकाश को भूल जा। लेकिन वो मेरे दिल में बस क्या है, मैं क्या करूं प्रिया? मैं उसे नहीं भुला सकती, मैं क्या करूं प्रिया? हाय प्रेम। हे आकाश, व्हाट्स अप ब्रो, हाउ आर यू? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? दैट्स ग्रेट। अच्छा तो कितने दिन अभी और यहाँ पे? हाँ 3-4 दिन हूँ और मुंबई में। अरे दैट्स एक्सीलेंट। अरे सुन, रीना का ऑडिशन बहुत अच्छा गया, शी गॉट सेलेक्टेड यू नो। ओह रियली? या, दैट्स ग्रेट, शी विल लव इट। अरे यार, लेकिन वी कुडंट गेट इन टच विद हर, नो वेयर इज शी? नहीं, वो चंडीगढ़ में है। हाँ, तभी बात नहीं हो पा रही उससे। ओके, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, टॉक टू यू लेटर, बाय।
सागर अंगारा लगता है, बंजर जग सारा लगता है। तेरी याद हवा में बहती है, एक पीड़ सी होती रहती है। बिन तेरे वे माही, बिन तेरे क्यों मेरा दिल नहीं ओ लगदा। बिन तेरे वे माही, बिन तेरे क्यों मेरा दिल नहीं ओ लगदा। बिन तेरे वे माही, बिन तेरे क्यों मेरा दिल नहीं ओ लगदा। बिन तेरे भीगी आँखों में ख्वाबों का बसेरा, वे माही अब नहीं सजदा। बिन तेरे वे माही, बिन तेरे क्यों मेरा दिल नहीं ओ लगदा। बिन तेरे वे माही, बिन तेरे क्यों मेरा दिल नहीं ओ लगदा। बिन तेरे देख पुत्र, राजीव ने तेरे लिए क्या भेजा है ना सोना। क्या बात है पुत्र, तू जब से वापस आई है ना किसी से ढंग से बात करती है, ना खाना खाती है, सिर्फ उदास रहती है। मम्मा, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है। तेरे साथ मुंबई में कुछ हुआ तो नहीं? मम्मा, मैं आकाश से प्यार करती हूं। वो भी तुझसे प्यार करता है? देख पुत्र, आकाश बहुत बड़ा आदमी है, उसके बारे में सारी दुनिया जानती है। उसने तुझसे चार बातें क्या कर ली, थोड़ा समय तेरे साथ बिता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुझसे प्यार करता है। उसके सपने देखना छोड़ दे पुत्र, उसे अपने दिल से निकाल दे और राजीव के साथ अपने आगे आने वाली जिंदगी के बारे में सोच। पुत्र, तू दिल छोटा ना कर, चल तंगी शंगी कर ले, राजीव आता ही होगा। हाँ मेरा छोना पुत्र, चल। नजरों में दूर तक बिखरे हैं जलवे तेरे, इनको निहारूं मैं, इनको निहारूं, आई ना तोड़ दूं
आंखों के दर्पण में तुझको सवारूं, मैं तुझको सवारूं, तेरा हुस्न सलामत रहे रहे, तेरी मुझ पे इनायत रहे रहे, मेरी जिंदा मोहब्बत रहे रहे, मेरा मौला करे, मेरा मौला करे, मेरा मौला करे। इतनी पुरानी दोस्ती अब रिश्ते में बदल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है जी। भाई अब तो आप हमारे समधी हो गए, मीठे का ऑर्डर दीजिए, कब से इंतजार कर रहे हो भाई। कैसी बातें कर रहे, मीठा हमको खिलाना चाहिए कि इनको? बिल्कुल। अरे एक ही बात है, एक ही बात है। अरे राजीव भी आ गया। हेलो अंकल। हेलो आंटी। हेलो बेटा, कितनी देर लगा दी। उप्स, सॉरी, एक्चुअली मैं क्या हुआ कि मैं ट्रैवल एजेंट के यहाँ फंस गया था, वो हनीमून की टिकट्स बुक करवा रहा था। अच्छा, चलो बढ़िया। बेटा खाना तो शुरू करो। जी जी जी। हाय रीना। नाइस। क्या हो गया? यू लुकिंग सैड। राजीव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात? नो। फर्स्ट लेट मी चीयर यू अप। देखो हमारा हनीमून सेट हो चुका है, शादी के नेक्स्ट दिन बात ही मैं और तुम हनीमून के लिए निकल जाएंगे। तुम्हें पता भी है हम कहां कहां जा रहे हैं। रीना, ये लीजिए। अरे बस बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे ले भी लीजिए। रीना, पेट फुल हो गया। तुम्हें शादी से खुश तो हो ना? आई डोंट नो राजीव। रीना, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें बचपन से ही प्यार करता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे थोड़ा थोड़ा कम प्यार करती हो, और मैंने हमेशा यह सोचा है कि शादी के बाद तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करोगी, है ना? मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो मेरे दिल में बस गया है। रीना, तुम्हें पता है कि मुंबई में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। प्रिया ने मुझे सब कुछ बता दिया, और मैं ये भी जानता हूं कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, पर मैं भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। रीना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, आई प्रॉमिस। रीना बेटा, बातें फिर कर लेना, आओ हमारे पास बैठो। देखो मिठाई भी आ गई। हाँ बेटा, आओ जल्दी और हमें भी बताओ क्या क्या प्लान बना रहे हो दोनों। ओहो, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, आइए जी, आइए बैठो। हाय प्रिया, कहाँ थी? अरे आंटी, इतना ट्रैफिक था, कितनी देर लगा दी। जाओ देखो रीना तैयार हुई कि नहीं। अरे भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, 2 घंटे में पूना की फ्लाइट पकड़ ली है। ओ चल चल, जल्दी से उठ। चलो जी। रीना, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। गणपति। शादी से पहले 101 गणेश पूरे हो गए, अच्छा शगुन है, गणेश जी सब ठीक कर देंगे। और तेरा सेलफोन किधर है? मैं तेरे सेल के लिए चार्जर भी लाई हूँ। प्रिया, अगर तू ना होती तो मेरा क्या होता? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, हमेशा तेरी दोस्त रहूँगी, तू बेफिक्र रह।
लेट मी सी, क्या पता आकाश के ही मिस कॉल्स हो? नो मिस कॉल्स। अब कुछ मत सोच, वी हैव टू गो नाउ। चलो। यस सर, रीना जी की शादी है इस शनिवार पुणे में। नमस्ते। सत श्री अकाल जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, कैसे हैं? ओए नमस्कार जी। भाई एक बड़ी गलत बात है, भाई साहब क्यों नहीं आए? हाँ, क्या बात है आकाश? पता नहीं राहुल, अब वो एक्साइटमेंट नहीं रहा। आई थिंक दिस वन इज टू इजी। आकाश लाइक्स द चैलेंज। एग्जैक्टली। एलीट हाथ से निकलने के बाद हमारी ये आईरीसी की डील भी नहीं होती तो पूरा ट्रिप लॉस में जाता। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। एलीट की डील हाथ से नहीं निकली है डोना, मैंने खुद छोड़ी है। ये मेरी कंपनी है और मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुमने ठीक कहा आकाश, ये कंपनी तुम्हारी है और तुम इस कंपनी के बॉस हो, लेकिन यहां पर हम सब तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। 10 साल से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं, लेकिन 10 साल में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे तुम्हारा थोड़ा सा भी नुकसान हुआ हो। यू नो दैट परफेक्टली। पुत्र, अब तू भी बैठा दे। बधाई हो जी, बधाई, बहुत बहुत बधाई। एक्सक्यूज मी गाइस, बैंक इज सेंडिंग द फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स फॉर आकाश सिग्नेचर। दे आर ब्रिंगिंग इट अप नाउ। गेट देम अप। ओके। आई नो यू मीन वेल राहुल, आई नो ऑल ऑफ यू मीन वेल, लेकिन बात यह है कि मुझे अब इस तरह की डील्स नहीं करनी है। आई डोंट वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ एनीवन, नॉट एनीमोर। आकाश, आईडीसी का एक्विजिशन ऑलमोस्ट हो चुका है, इसमें कम से कम 500 मिलियन का प्रॉफिट है, और अगर हम जरा सा किसी का फायदा उठा भी लेते हैं तो इसमें क्या बुराई है? बुराई है डोना, आई हैव इनफ मनी, आई डोंट नीड एनी मोर। तुम कैसी बातें करने लग गए हो आकाश, पैसा कभी काफी नहीं होता, चाहे जितना मर्जी कमा लो। मोर मनी ब्रिंग्स मोर पावर। मैं नहीं मानती कि पैसा सब कुछ होता है। क्यों नहीं? पैसों से ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, और पैसों से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुणध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। समय हो गया है, कन्या को बुलाइए। बुलाओ भाई। कुछ
रीना का मैसेज? जब गोवा से लौट रहे थे। He'll be my Jaan. Jaan? हाँ Jaan, जो मुझसे बहुत प्यार करेगा और जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी। इस फंडिंग प्रपोजल से जो हमें प्रॉफिट होगा वो हम दूसरी कंपनियों के लिए। तुम तो जो चाहे वो कर सकते हो, काश तुम ही समझ सकते कि मजबूर कौन है। आकाश, आकाश, अब हम दोस्त ही रहेंगे, अब हम दोस्त ही रहेंगे, हमेशा हमेशा। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा। फेरों का समय हो गया है, आप दोनों खड़े हो जाइए। फेरों का समय हो रहा है, चलिए। चलो बेटा। जी जी चले। ये तो बिलीनर आकाश गुप्ता ने ए थे की कर रहा है। रीना, यू आर माय जान। Will you marry me? कितनी मोहब्बत कह नहीं सकता। तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी धड़कन, तुम मेरी सांसें, तुम मेरा जीवन। तुमसे जुड़े हैं अरमान। You're my jaan.
देखूं तुम्हें तो देखता जाऊं, सोचूं तुम्हें तो सोचता जाऊं, इश्क में तेरे जी लूं मर लूं, आंखों में तेरी डूबता जाऊं। तुम मेरी दुनिया, तुम मेरी जन्नत, तुम मेरा सपना, तुम मेरी मन्नत, तुम हो ख्यालों का जहान। You're my jaan.